और सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। ये फैसला रसोई को धुएं से मुक्त करने के भाजपा सरकार के अभियान को भी मजबूती देगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। आज जोधपुर एम्स में 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर इस ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसे अनेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर वन राज्य बनाने का है। नंबर वन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर वन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर एक बनेगा। ये ताकत आपके वोट की है। आज जो आधुनिक सड़कों का, नई रेल लाइनों का नेटवर्क राजस्थान में बन रहा है, वो इस काम में बहुत मदद करेगा। आज यहां सड़क, रेल और हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी जोधपुर को मिले हैं, मारवाड़ को मिले हैं।
जोधपुर रिंग रोड का चौड़ीकरण हो या फिर शहर में जगह जगह बनने जा रहे बाईपास, इनसे आपको जाम से मुक्ति मिलेगी। Zee News.